हैंड, फिर यहाँ पे जो कार्विंग की बैक साइड स्पाइन और बुद्ध के पैर, तो गौतम बुद्ध पैरों पर नेचुरल चक्र बने हुए थे, तो जिनके पैरों पर जो चक्र जो बने थे तो उनका जीवन एक जगह स्थिर नहीं रहता, मीन्स हमेशा घूमते रहते हैं। जो गौतम बुद्ध जो कि अलग अलग जंगलों में अलग अलग नदियों के किनारे ध्यान क्या करते, तो बुद्ध फाइनली एनलाइटमेंट हुआ था, बौद्ध गए पीपल के पेड़ों के नीचे, तो पीपल ट्री को बोलते बौद्ध ट्री, बौद्ध मीन्स नॉलेज। और विदिशा जो शिल्पकार जो चूड़ी माला कंगन बनाया करते थे ना, तो उन्हीं विदिशा कलाकार और आर्टिस्ट ने जो कि हर एक डिज़ाइन जो कि अलग में डिज़ाइन बनाने की कोशिश की गई है, सिंगल मॉनोलिथ थे, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैं प्रेस कर लिया, ये भी बुद्ध बुद्ध समय के जो राजा श्रावस्ती के राजा के नाम था राजा प्रसन्नजीत जी, कि राजा प्रसन्नजीत जो कि घोड़ों पर बैठे हुए, ये भी रॉयल प्रोसेशन के द्वारा क्या तरह की और जा रहे थे, पूरी आर्मी फोर्स भी ड्रम ढोल बजा रही है, तो ड्रम ढोल की आवाज जब पूरे महलों के अंदर ये गूंज उठती, तो रानियां दासियां थी महलों के अंदर से झरोखों से फूलों को लेकर राजा पड़ल्दी की राजा विजिट करे बौद्ध गया। तो सर बिल्डिंग आर्किटेक्चर देखिए, आइकनोग्राफी फर्स्ट मंजिल सेकंड मंजिल थर्ड मंजिल पूरे के पूरे पैलेस बताए, पर इन गेटों पर बुद्ध से जीवन से जुड़ी हर एक स्टोरी बताई, उस फास्ट पूरे कल्चर्स को इन गेटों पर बताया गया। कभी आप अजंता एलोरा की गुफा में जाओगे तो वहाँ पर चैत्यल है, देखिए सारे जो बुद्ध थे जो मॉन्क्स उस चैत्यल में जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। कभी आप जगह श्रावस्ती में जाओगे तो आज वहाँ पर मॉन्स्ट्री बनी हुई, देख रहे हैं, जो कि इन तीन कुटियाँ थी, इन तीन कुटियों का नाम थे मालगुन कुटी, गंध कुटी, कौसाम्बी कुटी, जो कि गौतम बुद्ध जी की ठंड गर्मी बारिश में अलग अलग मौसम में बुद्ध इन मॉस्टी में बैठ कर ध्यान क्या करते थे। प्लीज कम यार, जैसे कि जैनिज्म में जो सेक्ट जो होते हैं दिगंबर एंड शतांबर, तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में जो सेक्ट जो होते हैं हीनयान जो कि बुद्ध के लोग सिंबॉलिक पूजा करते हैं, बुद्ध की बॉडी ट्री की, बुद्ध की लोटस की, बुद्ध कमांडर के, बुद्ध की स्तूप की, और महायान एक और ब्रांच आती बौद्ध धर्म जी की वज्रयान, जो कि लोग तांत्रिक क्रिया के द्वारा लोग बुद्धिज्म में लोग पूजा पाठ करते हैं। देखें बौद्ध ट्री रिप्रेजेंट कर रही बुद्ध बैठे हुए हैं, बुद्ध इन चारों गेटों सिंबॉलिक बताया गया। जब गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु में जो टीचिंग दे रहे थे, तो पूरी पब्लिक सभी लोग बुद्ध टीचिंग को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पर कुछ स्टूडेंट लोग ध्यान दे रहे हैं जो कि आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, बैक बेंचर्स काना फसली कर गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो बुद्ध टीचिंग को ध्यान से सुन रहे हैं। तो जान देखिए कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स, ये पगड़ी पहने हुए, ईयर रिंग्स पहने हुए, माला पहने, कड़े पहने, धोती पहने, जो कि पूरे के पूरे कल्चर्स के गेटों बताया गया है। तो गौतम बुद्ध घोड़े का नाम था कंठक, उनके सारथी के नाम था छन्ना। जब बुद्ध जब पहली बार जब कपिल वस्तु से जब वो यात्रा पे जब निकले थे, जो कि उन्होंने जो चार दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक डेथ बॉडी, एक भिक्षा मांगने, तो मानव जीवन संसारी जीवन कितने दुख में, तो बुद्ध ने संसारी जीवन छोड़ के जा रहे हैं। तो बुद्ध नेपाल के अरोमा नदी के तटे किनारे से ध्यान की शुरुआत की थी। प्लीज कम हियर, सी ऑन द टॉप, दैट इज अ ग्रीक इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे कैसे ग्रीक के लोग बताए गए, देख रहे हैं, जो सेल्यूकस निकट की जो लड़की थी हेलेना, हेलेना की शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी, जो कि भारत और ग्रीक के एक रिलेशनशिप एक संबंध बन चुके थे, तो जमाने हमारे भी ग्रीक से भी लोग आ चुके थे। तो देखिए बालों के हेयर स्टाइल रहे कल्ली हेयर स्टाइल, लॉन्ग पहने हुए, लॉन्ग स्कर्ट से पहने हुए, जो कैप पहने हुए, जो कि ड्रम ढोल बजाते हुए ग्रीक के लोगों के द्वारा भी लोग कुशीनगर के स्तूप की लोग पूजा कर रहे हैं। स्टोरी बताएगी वैशाली का बिहार, जो गौतम बुद्ध एक संत थे, एक सन्यासी थे, तो एक मंकी जाते फॉरेस्ट की ओर और बुद्ध को बाउल से हनी ऑफरिंग कर रहे, देख रहे हैं, और बाजू ने मंकी डांस कर रहे, उस डांस कर बंदरों के हाथों से बुद्ध हनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के जो फादर का नाम था राजा सुद्धोधन, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, और उनके जो लड़के राहुल, और बुद्ध की वाइफ यशोधरा, जो कि बौद्ध में जो बौद्ध ट्री के दर्शन कर रहे हैं। देखिए पूरे के पूरे फाइव पर्पल, ये वाला ये देखिए एंजल्स बताया गया है ना। फिर बुद्ध के फादर राजा सुद्धोधन, मौसी प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध को नमन कर रहे कपिल वस्तु में। फिर देखिए द्वारपाल पगड़ी पहने हुए, धोती पहने हुए, माला पहने हुए, कड़े पहने, जो कि हाथों में जो कि लोटस को रखे हुए,
राइट एंड लेफ्ट साइड की मोस्ट वेलकम को रिप्रेजेंट करते, मोस्ट वेलकम आप सभी भव्य स्वागत है, प्लीज कम हियर। जैसे कि आज हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु तमिल, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब पंजाबी। तो बुद्ध समय जो लैंग्वेज वो करते थे पाली लैंग्वेज। क्या लिखा है? सबसे पहले भारत में जब ब्रिटिश में जब आए 1837 जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने अपने पहली बार पाली लैंग्वेज को उन्होंने पढ़ा था, जिसे हम राइट से लेफ्ट से पढ़ते, द न म दानम। दानम मीन्स डोनेशन। जब लोगों जो स्टोन को जो डोनेट किया था, देख रहे सारे दान दाताओं के नाम लिखे हुए, सेंट्रल इंडिया के कुछ राजाओं ने, कुछ लोकल पब्लिक ने, कुछ व्यापारियों ने, जब पत्थरों जब दान दिए सारे दान दाताओं के नाम लिखे, देख रहे मतलब 2200 साल प्राचीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं सब क्या हुआ था। 3rd century BC से लेकर 12th century AD तक अलग अलग डायनेस्टी आई, अलग अलग राजवंश के जब राजा जब आए, मौर्य काल, शुंग काल, प्रतिहार काल, गुप्त काल, परमार काल। तो किसी राजा ने स्तूप बनवाए, किसी राजा टेंपल बनवाए, किसी राजा ने गेट बनवाए, किसी राजा ने मूर्तियाँ बनवाई, तो अलग अलग टाइम पे अलग चीज़ें ऐड होते चले गई। लेकिन जब 3rd century BC से लेकर 12th century AD तक पूरा जो क्षेत्र पूरी तरीके से एक्टिव था, लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ था, और उसके बाद का जो समय 12th century AD to 17th century AD तक धीरे धीरे पूरा क्षेत्र पूरा फॉरेस्ट एरिया में तब्दील हो चुका था, मतलब पूरा जंगल था। तो उसकी जो खोज की थी ब्रिटिश में जब है कैप्टन टेलर, एक आर्मी मैन कैप्टन टेलर की खोज की थी 1818 में, तभी पुनः प्रकाश में सांची स्तूप, तब एक्सर्वेशंस, कंजर्वेशंस, प्रिजर्वेशन, रिनोवेशंस ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे काम किए। तो उस जमाने में बहुत सी चीज़ें मिली यहाँ पे, प्राचीन समय बर्तन मिले, एंटीक्विटीज मिले, तो रखा गया। और ये जो मूर्तियाँ बनी 5th century गुप्त काल की, भारत में गुप्त काल के दो सेंटर थे, पहला सेंटर था उज्जैन, उज्जैन का जो प्राचीन था अवंती का महेशमती उज्जैनी, दूसरा सेंटर था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, तीसरा था अमरावती, चौथा था अफगानिस्तान कंधार आर्किटेक्चर्स। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती थी, तो गुप्त काल को बोलते गोल्डन एरा। तो देख चारों तरफ ये मूर्तियाँ थी, ऊपर की जो ऊपर टॉप इसकी छतें थी, इसकी जो छतें उस वक्त पड़ी पड़ी जंगल से काम लगता नेचुरल डैमेज हुई, पर यहाँ पे किसी प्रकार से मुगल नहीं आए, है ना। अब यहाँ पे विदेशी जो कलाकार थे, ओरिजिनल हाथी के दांत देख रहे हैं, जो एलिफेंट जो बने हुए हैं, ओरिजिनल हाथी के दांत लगे हुए थे, जो कि इसके दांत निकल चुके हैं, ओरिजिनल टस्क के गए थे निकल चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं सौर, जैसे कि आज हम अपने मकानों को बनाते हैं, घरों को बनाते हैं रेत और सीमेंट से, तो जमाने लोग नेचुरल प्लास्टर बना करते पत्थरों को जुड़ाई करने के लिए, बेलपत्र, बेलकरस, गुड़, मेथी, चने की दाल, भिंडी, बतासे, उड़द, चूना पत्थर, गोंद, ईंटों की राख, हनी, सुर के लोग नेचुरल ऐसे लोग प्लास्टर्स तैयार करते हैं स्टोन की जुड़ाई करने के लिए। तो उससे स्टोन की जुड़ाई की गई है। जब लोगों ने पत्थरों जब दान देते थे, सारे दान दाताओं के नाम लिखे हुए हैं, हर एक पत्थरों पर नाम लिखे, देख रहे हैं। तो बाद में होल जो किए गए थे ब्रिटिश लोगों ने, होल इसलिए कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी थोड़ा पानी सीपेज होगा, पानी बाहर निकल आएगा, जिससे स्तूप सुरक्षित और प्रोटेक्ट रहे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सब आप बोल रहे हैं कि सब नेचुरल चीजें हैं, हाँ हाँ, फिर बाद में रेस्टोरेशन काम भी किया, देख रहे हैं, हाँ वही पूछ रही हूँ, रेस्टोरेशन देखे, फिर बाद में नए प्लास्टर भी लगाए गए। स्वाभाविक सी बात है, जब चीजें जब डैमेज होती है, तो भारत सरकार ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से रेस्टोरेशन से काम भी किए, तो भी है लेकिन रेडी से न्यू प्लास्टर्स, है ना। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई है बुद्ध टाइम तो डैमेज है, ये मूर्ति मथुरा की मूर्ति है, बुद्ध टाइम तो 500 BC मूर्तियाँ बनी 5th century AD। तो जमाने जो आर्टिस्ट जो कलाकार थे उन्होंने गौतम बुद्ध देखा नहीं था, तो उन्हें काल्पनिक तरीके से उन्होंने बुद्ध के स्माइलिंग फेस बनाया, देख रहे बुद्ध स्माइलिंग कर रहा है, कल्ली हेयर स्टाइल बुद्ध चीवर पहने हुए, जो कि गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा। तो मूर्ति के जो कि अलग अलग फॉर्म होते हैं, ललित आसन, गरुण आसन, पद्म आसन, ध्यान मुद्रा, बुद्ध बैठे ध्यान मुद्रा। पीछे किससे बोलते हैं ओरा, राइट एंड लेफ्ट साइड डोर के ऊपर गंगा, एंड यमुना बैक साइड एंजल्स,
तो इनकी मूर्ति के अलग अलग फॉर्म देखने में मिलते हैं। ललित आसन, गरुड़ आसन, पद्मासन, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श के जलते लोगों में बहुत सारी मूर्तियाँ को देखने में मिलती है। यदि हम बात करें बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स के, तो उस जमाने में राइट एंड लेफ्ट के साइड से स्टोन को होल करते थे। स्टोन को होल करने के बाद लोग स्टोन को लोग फिट करते थे। फिट करने वाले लोग आउटसाइड लोग प्लास्टर्स फिलअप करते, मीन्स इंटायर इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो कि हर एक पत्थर जो कि अलग अलग तरीके से फिट किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरे के पूरे कपिलवस्तु पैलेस बताया गया, देख रहे हैं। तो गौतम बुद्ध की मदर है महामाया देवी, देख रहे हैं लेडीज स्लीपिंग, बाजू देखिए लेडीज लेटी हुई है, बाजू देखिए एलिफेंट। तो गौतम बुद्ध की मदर महामाया देवी ने सपनों में एक वाइट कलर का एलिफेंट देखा, एरावत, एक एलिफेंट आकाश मार्ग की ओर से आता जो कि माता के पलंग से तीन बार परिक्रमा लगा था। मदर तो पहले से प्रेग्नेंट थी, जब सुबह उठती मॉर्निंग में तो पूरे सपनों के बारे में वो रानियाँ और दासियाँ बताती, जो कि रानियाँ दासियाँ सपनों के बारे में बातचीत करी, काना फसली करी, गॉसिपिंग करी, दे रहे हैं कैसे गॉसिपिंग कर रही हैं। बच्चों जन्म होता माता के मायके में, तो रॉयल प्रोसेशन के द्वारा जब उनके जब मायके जब ले जाते हैं रास्ते में एक घना घोर जंगल में, तो लुम्बिनी वन, तो बुद्ध जन्म होता 563 बीस में 2 साल के पेड़ों के नीचे बुद्ध का जन्म हो जाते, देख रहे हैं। बुद्ध जन्म होने के बाद अब उनके जो एक सेनापति वो भी आकाश मार्ग की ओर देख रहे हैं, वो भी अनुमान लगा रहे किसी महान आत्मा का जन्म होने वाला, तो महान आत्मा कहलाए बुद्ध कहलाए। फिर बुद्धिज्म जो फॉलोअर्स प्रेयर करते हैं, हाथ जुड़े हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो टॉप ऑफ द लोटस, लोटस जो कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते थे, लोटस लोटस जो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिफेंट एलिफेंट जो कि नॉलेज प्रॉस्पिटी एंड वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ही है ये रिवर, वही रिवर फाल्गु नदी, आज ये फाल्गु नदी ऋषि मुनि रुबेला कश्यप, गया कश्यप और नंदी कश्यप, जब उस दिन बौद्ध गया में जो काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी तूफान चल रहे थे, सदलनी की नाव पलट चुकी थी, ऋषि मुनि नदी में डूब रहे थे। बुद्ध तो ध्यान कर रहे थे, बुद्ध देखते कि ऋषि मुनि तो नदी डूब रहे हैं, तो बुद्ध जाते नदी के द्वारा और ऋषि मुनि की जान बचाते, फिर बुद्ध वापस ध्यान में स्थिर हो जाते हैं। तो ऋषि मुनि आते जो कि बुद्ध बोलते हैं कि थैंक्स बुद्ध, आपने हम ऋषि मुनि की जान बचाई। फिर देख नदी के तट किनारे एक आम के बगीचे थे, जो कि मंकी फल को तोड़ कर खा रहे हैं, एक डक फिश खा रही है, कोकोडाइल डक जो जल में तैर, नदी के तट के किनारे कोकोनट के बगीचे में बने हुए, देख लोटस संख सी पेड़ पौधे कलिया नदियाँ। तो यहाँ पे कलाकारों ने एक तरीके से बुद्धिज्म और इकोसिस्टम को बताने की कोशिश की गई है। आप गाइड लेना चाहेंगे जी? 600 रुपये लगेंगे, है ना? तो वहाँ पे वही गाइड लोग बैठे हैं, ले लो, है ना। अजात शत्रु जो फादर का नाम था बिम्बिसार, जो कि बिम्बिसार जो कि मगध के राजा, अजात शत्रु जो फादर बिम्बिसार जो कि रथों पर बैठे हुए, ये भी रॉयल प्रोसेशंस के द्वारा यात्रा की ओर जा रहे थे। देखें सर, पूरी आर्मी फोर्स से भी डमढुल बजा रही थी, डमढुल की आवाज पूरे महलों के अंदर एक गुंज उठती है। तो रानी या दासी थी महलों के अंदर से झरोखों से तेरे माला को लेकर फूलों को लेकर राजा पड़ देगी कि अब राजा रॉयल प्रोसेशंस के द्वारा विजिट करे बौद्ध गया। तो जय कैसे द्वारपाल बताया गया, देखिए द्वारपाल भी हाथ जुड़े हुए भी खड़े हुए यहाँ पे द्वारपाल। अब यहाँ पे आइए इस तरफ, ये जो सारा ये जो क्या तुम्हारा पूरा जंगल से कवर होने के था, पर जंगल से कवर था ये, मतलब 12th century 82 से कवर होने के था, बहुत सारी चीजें नेचुरल डैमेज हुई, दिख रहा है। अच्छा, पर यहाँ पे किसी पे मुगल ने अटैक नहीं, जो कि पूरा जंगल से कवर होने के था नेचुरल चीजें, कि मुगल इधर नहीं आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि मुगल हम एक्चुअली जो खड़े हुए पहाड़ों के ऊपर खड़े हुए हैं, आपकी कार आई थी ऊपर की ओर आई थी, तो हिल्स के दौरान उन्हें पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे कोई चीजें हैं, इसी वजह से। अब रानी की वाव जाओगे, रानी की वाव कितनी जबरदस्त स्टेप पहले है ना, मतलब वहाँ पे भी जो आर्किटेक्चर वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ हमको देखने मिलती है। तो रानी की वाव पूरे मतलब वहाँ पे सरस्वती नदी हुआ करती थी जमाने में, तो सरस्वती नदी में पूरी नीचे दब चुकी थी वो, तो इसकी जो खोज की थी ब्रिटिश मैंने की थी, तो वो भी आज बहुत ही जबरदस्त है रानी की वाव गुजरात में पाटन में, कभी टाइम निकले तो विजिट कीजिएगा। हाँ लोटस, पूरे लोटस बने हुए है ना, पूरे के पूरे लोटस, लोटस जो कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्योरिटी। अब यहाँ पे आइए 100 BC के दौरान,
अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में लंदन से, फ्रांस से, इंग्लैंड से गर्ल्स आती घूमने के लिए, तो जमाने महिला अपने बालों को देखिए, उनकी हेयर स्टाइल देख रहे हैं, बालों कितने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करके रखी हुई देख रहे हैं, हेयर स्टाइल देख रहे हैं, हैप्पी बाल, और महिला किस तरह के पैरों में एंकलेट पहनी हुई देख रहे हैं, एंकलेट, और वही महाराष्ट्र जो महिला जो साड़ी जो पहनती नोवेरी साड़ी काष्टा साड़ी देख रहे, महिला किस तरीके से साड़ियाँ ही पहनी हुई है, और महाराष्ट्र जो महिला जो साड़ी जो धोतियाँ जो पहनती है वो महाराष्ट्रियन कल्चर्स में वो धोतियाँ ही पहनी जो कि पूरे के पूरे कल्चर्स को बताया गया इन गेटों पर। अब यहाँ पर ये ट्रक अरे ब्यूटीफुल जलेडी जो टेम्पलों जो रखी जाती है टेम्पलों में रखी जाती है यक्षिणी, तो इसको बोलते क्या यक्षिणी, यक्षिणी बोलते हैं। तो ये लेडी को देख पीकॉक्स सम्राट अशोक जी की मौर्य डायनेस्टी से जो ऊपर ये देख रहे ब्यूटीफुल जलेडी लेडी इसको बोलते यक्षिणी लेडी को देख पीकॉक्स सम्राट अशोक जी की मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग क्या करते मौर्य मीन्स मोर, तो उनके सिम्बल्स बताया गया है। फिर बाजू देखिए ऊपर शेरों के बाजू देखिए शेरों पर पंख लगे हुए हैं, शेरों पर तो पंख होते नहीं है, तो ग्रीक में इजिटल मिथक माइथोलॉजिकल तरीके शेरों पर जो विंग्स जो बनाया करते जिससे ग्राफिंग धीरे ग्राफिंग बताया गया है। एक्चुअल में बुद्धिज्म में बौद्ध धर्म की स्टोरी ये भी आती है, गौतम बुद्ध के टोटल जो बर्थ रीबर्थ 549 में बुद्ध ने एक मंकी के रूप में जन्म लिए, बुद्ध ने एक एलिफेंट के रूप में जन्म लिए, बुद्ध ने एक पक्षी के रूप में जन्म लिए, मतलब इनकी जो प्रीवियस लाइफ को यहाँ पे निश्चित एंड बॉडी ट्रिटी के रूप में उसे बताया गया है। ऊपर टॉप है पहली पट्टी पर, तब मैं क्या पहली पट्टी फर्स्ट पैनल पर दो मार्गणे के स्तूप बने हुए एंड बॉडी ट्री बने हुए, तो इन्हें बोला गया मानुषी बुद्ध, जो कि बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स स्तूप एंड बॉडी ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। सबसे नीचे वाले पैनल में देखें सम्राट अशोक देख रहे हैं, तो सम्राट अशोक जो कलिंग वार हुआ था उड़ीसा में, तो कलिंग वार होने के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाने बाद विजिट कर रहे हैं, देख रहे सम्राट अशोक झुके हुए जो कि बॉडी ट्री की प्रेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें चारों तरफ छोटे बड़े स्तूप बने हुए हैं, इनकी कॉन्सेप्ट है क्या है? हाँ, जब 7th century AD में जब बिकॉज ऑफ डायनेस्टी जब आई गुज्जर प्रतिहार वंश, तो गुज्जर प्रतिहार वंश के जो राजा हुए नागभट प्रथम, नागभट द्वितीय, मीरकुल एंड मिहिरभोज, जब उन्होंने जब सेंट्रल इंडिया जब शासन किए तो ऊपर के मॉनेस्ट्री बनाकर चले गए। फिर जब 8th century AD में जब आई ऊपर की ओर है ना, ऊपर के टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं, अभी हम आगे चल कर मॉनेस्ट्री घूमेंगे। फिर जब 8th century AD जब आई परमार डायनेस्टी, तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम तो मालवा, तो उस जमाने जब सारे जो बुद्धिज्म जो मॉन्क्स यहाँ पे ध्यान करते थे, तो उनकी जब डेथ हो जाने के बाद उनकी जो राख और अस्थियाँ निकलती थी तो उससे बनाया करते स्तूप, तो उस जमाने जो स्टूडेंट टॉप इंडिजेंट होते थे तो उनकी अस्थियों को रखकर उनके स्तूप बड़े बनवाया करते थे, और जो स्टूडेंट कम इंडिजेंट होते थे तो उनकी अस्थियों को रखकर छोटे छोटे स्तूप बनवाया करते थे। सारे सिस्टम को एक ग्रेडिंग सिस्टम के रूप बनाया गया, मीन्स पूरी की पूरी समाधि है, और जो पिलर जो बड़े 2200 साल प्राचीन पिलर बने हुए हैं, हाँ ये ले, और वो जो पिलर जो बने 5th century गुप्त काल के 1500 साल प्राचीन, हाँ वो आयरन का है ना? नहीं आयरन पिलर नहीं, स्टोन सैंड स्टोन, सैंड स्टोन है, आयरन था तो ये थे, तो इसका जो कैपिटल था नेशनल एम्बलम जो टोटल सांची म्यूजियम में रखे हुए हैं। आइए इस तरफ, कहाँ से आना हुआ आप लोग का? बंगाल से। बंगाल से अब यहाँ पे देखते हैं मैम इस तरफ अशोक पिल्लर के टूटे वाले से ये पड़े हुए हैं। सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार विलेज से इसे लाया गया था, जिससे ले चुनार सैंडस्टोन जिसकी जो है थी 42 फीट 42 फीट, पर आज से 500 वर्ष पूर्व किसी लोगों ने जिन्हें को तोड़ा था और ले जाना चाहते ना ये तो इसको तोड़ना चाहते ले जाना चाहते गन्ने की जूस की मशीन बनाने के, तो गन्ने की जूस की जो मशीन होती गोल होती है, तो हमारे इंडियन में
एक टेक्नोलॉजी होती थी कोल्हू के बैलों के द्वारा लोग जूस निकाला करते थे, तो उन्होंने से एक इंटेंशन से तोड़ा और इसे ले जा नहीं पाए, जो कि आज भी जो करते हो इसी स्थान में पड़े हुए। तो जमाने चमड़ों से घिस कर की जाती थी लेदर पॉलिश, देखो उसकी चमक है चमड़े की पॉलिश। तो उसका जो कैपिटल था नेशनल एम्बलम, जो कि चार चार से टोटल से नीचे सांची म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये पॉलिश अभी भी चलता है, चमड़े की पॉलिश अब यहाँ पर हम देखते हैं। भारत में देखिए गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनवाया पहला टेंपल, ये गुप्त युग है। ये पहला जो टेंपल जो बना फ्लैट और ब्लैक क्यूब, साउथ इंडिया।